नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे एमआई और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 48 के बारे में। एमआई के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है और मेरी तरफ से इस मैच की जो विनर है वो है एमआई की टीम, मतलब मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत रही है। अब आप लोग जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं उनमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपकी टीम में जगह बना सकते हैं, पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, रीसेंट फॉर्म के हिसाब से और रिकॉर्ड के हिसाब से, सब कुछ आपको बताऊंगा। किस प्लेयर को किस कंडीशन में टीम में शामिल करना है, बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेना, एक बेहतरीन टीम लास्ट में आप तैयार कर पाओगे। नोट करते चलिएगा, जो भी काम की बातें उनको आप नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नो लॉस ऑफर, मतलब एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, पूरी 20 टीमों की एंट्री फीस आपको वापस मिलेगी। कैसे होगा, कहां होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही एक और जबरदस्त है, टेलीग्राम पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने कान खड़े कर लीजिए। इस वीडियो में अगर आप लोगों ने 8000 लाइक कंप्लीट कर दिए तो टेलीग्राम पर एक छोटा सा गिव अवे रखा जाएगा, जिसमें एक नहीं, दस नहीं, पूरे 25 लोगों को, 25 लोग विनर्स होंगे उसमें, 25 विनर होंगे। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं है वो जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दिया हुआ है। दो जगह टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना 8000 लाइक पूरे होते ही। और कोशिश करना कि जो टारगेट है ये आप 5 बजे से पहले पूरा कर दो, क्योंकि इससे हमें 2 घंटे मिलेंगे फिर फ्री गिव अवे करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं चैनल पे, तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए अब लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिए। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो 8000 लाइक तो 2 मिनट की बात है। चलिए, एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में मैच होगा। इस वेन्यू के बारे में आप लोगों को पहले एक बात दिमाग में डाल लेनी है कि 250 हटा देना है दिमाग से, 250 हटा देना है, 220 भी हटा देना है, लगभग 200 का स्कोर मान के चलना है ये, क्योंकि यहाँ की जो डायमेंशन से जो बाउंड्री है वो है लगभग 70-75 meters की। बड़ा ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड होने की वजह से ईजिली क्लियर नहीं होता है। अगर गेंदबाज ने थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल किया गेंदबाजी करने में, वो आपको ज़्यादा बेहतर करके दे सकता है। इस मैदान पर जो टोटल 12 matches खेले गए उनमें से 6 बार अभी तक पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ज्यादातर मैचेस में जो स्कोर हमें देखने मिलता है, यहां पे 196 आया था, यहां पे 176 था, यहां पे 163 था और यहां पे 167 का स्कोर देखा है। तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो लगभग 175-185 का रहने वाला है। इससे ऊपर जाता है तो फिर ज्यादा ही गंदा विकेट होगा, जिसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब यहां पे एक और चीज जो आपको देखनी है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है उसने यहां पे 3 विकेट दिए, यहां पे 4 विकेट दिए और इस मैच में 2 विकेट दिए। एकमात्र मैच ये गुजरात वाला था, क्योंकि गुजरात वैसे भी स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो यहां पे हमने 10 विकेट देखे। बाकी जितनी भी अच्छी टीम है, जैसे लखनऊ बढ़िया टीम, राजस्थान बढ़िया टीम, डीसी बढ़िया टीम, इन्होंने सिर्फ अपने 3 से लेकर 4 विकेट ही गिरने दिए हैं। तो यह चीज आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यहां पर दोनों टीमें बढ़िया है तो यही आपको देखने मिलेगा कि पॉसिबल है कि सेकेंड इनिंग में 4 या 5 विकेट ही आपको गिरते हुए नजर आए। अब जो सेकेंड इनिंग में विकेट मिले हैं, जिसमें से 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, यहां पर 2 फास्ट बॉलर को मिले हैं, यहां पर भी 2 फास्ट बॉलर को मिले हैं, यहां पे जरूर 6 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर्स को विकेट मिल गए थे। अब चूंकि पावर प्ले में विकेट आपको यहां पे ज्यादा नहीं देखने मिल रहे, 1-1 विकेट पावर प्ले में देखने मिला है, तो इससे एक और चीज आप क्लियर कर लेना, कम विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जो सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है टीम उसका टॉप ऑर्डर आपको ज्यादा अच्छा करके दे जाएगा, वो कैप्टन वाइस कैप्टनसी वाला काम कर देगा। यहां पे देखो संजू सैमसन ने 71 किया, लगभग कैप्टन वाला काम हो गया। यहां पर फ्रेजर ने 55 किया, यहां पर लगभग कैप्टन वाला काम हो गया। राहुल ने 82 किया, ये भी कैप्टन वाला काम हो गया। यहां पर साई सुदर्शन ने 31 किया था, चूंकि ये भी ओपन करने आए थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्टॉइनिस ने ज़्यादा बढ़िया काम किया था। तो सेकंड इनिंग में जो टॉप 3 है वो आपके ज़्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम निपटा सकते हैं, उस पर फोकस कर लेना। अब आते हैं हम फर्स्ट इनिंग पे। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे राहुल ओपन करने आए थे, आयुष बडोनी नंबर 7 खेल रहे थे, स्टॉइनिस नंबर 4 खेल रहे थे, जडेजा नंबर 4 खेल रहे थे। तो फर्स्ट इनिंग में ऐसी कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई है और पावर प्ले के अंदर जो हमने पहली इनिंग में विकेट देखे हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा हैं, लगभग 2 विकेट। 2 विकेट पहली इनिंग के अंदर में देखने मिले हैं और पहली इनिंग की जो टीम ने बैटिंग की उसमें 6 विकेट, 5 विकेट, 7 विकेट और 5 विकेट हमने देखा है। मतलब फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके लगभग 6 से लेकर
मतलब 5, 6, 7 ये तीन नंबर्स के अंदर आपको विकेट देखने मिल जाएंगे और ज्यादातर विकेट निकाले हैं फास्ट बोलर्स ने। वैसे नॉर्मली लखनऊ के ग्राउंड पर स्पिनर्स अच्छा करते हैं, स्पिनर्स अच्छा करते हैं, लेकिन इस साल हमने वो कमाल नहीं देखा है। यहाँ पर आपको ब्लैक सोयल का विकेट देखने मिलता है जनरली, लेकिन अभी उतना कमाल स्पिन का यहाँ पे हमने देखने नहीं मिला है। दोस्तों ये मान के चलो कि बैटिंग ट्रैक बनाने के बाद ये स्थिति है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी गेंदबाजों के हिसाब से विकेट होता तो आपको जो स्कोर देखने मिलता वो 135-145 के आसपास का होता। तो ये ग्राउंड रिकॉर्ड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ग्राउंड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और जिन लोगों को ग्राउंड समझ में आ गया है वीडियो को लाइक मार दीजिए। चलिए अब एमआई और लखनऊ के जो लास्ट मैचेस थे, मतलब पिछले साल के जो मैचेस थे उस पर नजर डालें। ग्रीन इस टीम में नहीं है, आकाश मधवाल ने 5 विकेट निकाले थे। आकाश मधवाल भी अभी प्लेइंग 11 में नहीं है। स्टॉइनिस का 40 था, नवीन उलहक के 4 विकेट थे, यश ठाकुर का 3 विकेट था। इसके पहले जो एक और मैच हुआ उसमें भी यश ठाकुर को 2 विकेट मिले। यश ठाकुर को विकेट मिलने का रीज़न है उनका वेरिएशन, क्योंकि यहाँ एमआई की टीम में सारे हिटर हैं, सब बल्ला चलाने वाले प्लेयर हैं और यश ठाकुर वेरिएशन का यूज़ करते हैं, तो इस तरह के गेंदबाजों को नॉर्मली एमआई के सामने विकेट मिल जाते हैं। इसके बाद बिश्नोई के पास में 2 विकेट थे, स्टॉइनिस ने यहाँ भी रन बनाए थे और कुणाल पंड्या ने भी स्कोर किया। ईशान किशन और रोहित शर्मा इन दोनों ने ऊपर से स्कोर किया था। बैरन रॉफ अब इस टीम में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको मिलेगा 9 लॉस ऑन मेगा कॉन्टेस्ट। करना क्या है, जितने भी नए यूजर हैं जिन्होंने अभी तक माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, अगर कर भी लिया है तो आप नए नंबर का नए पेन का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करो और जाके साइनअप कर लो, साइनअप कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहीं से डाउनलोड करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब आप लगा लो 20 टीम चाहे लगा लो 10 टीम, जितनी भी टीम लगाओगे सभी की एंट्री फीस आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ इस मैच के लिए और नए यूजर्स के लिए है, तो जाकर इस्तेमाल कर लेना, 100% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। और जब आप डिपॉजिट करो ना तो मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना जो कि है talented23, आगे आपको लिख के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट में आपको मिलता है 1 करोड़ रुपये का प्राइस, और जब आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करोगे जो कि talent23 है, तो इससे आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा पहले डिपॉजिट पे। मतलब अगर आपने डाला 500 रुपये तो 600 मिल जाएगा, और अगर आपने डाला 1000 रुपये तो 1200 मिल जाएगा, 10,000 पे 12,000। चलिए अब प्लेइंग 11 की बातें हम कर रहे थे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी कब इनका बैटिंग डाउन चेंज होता है और किस हिसाब से काम करता है। सबसे पहले क्विंटन और केएल राहुल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे स्टॉइनिस आ रहा है, नंबर 4 पे हुडा आ रहा है। अब यहाँ पे आप ये मान के चलिएगा कि चाहे जल्दी विकेट गिर जाए चाहे लेट विकेट हो, ये जो बैटिंग लाइनअप है यहाँ तक कोई चेंज नहीं होना है। आयुष बड़ोनी बैटिंग करने तभी आएंगे जब यहाँ तक के जल्दी विकेट जाए, मतलब टॉप 4 में से 3 विकेट जल्दी जाएंगे तो ही बड़ोनी ऊपर आएंगे, नहीं तो पूरन ही आपको बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे। ये पहली चीज क्लियर है। गेंदबाजी में दोस्तों मैट हेनरी आपको पावर प्ले के अंदर मिलेंगे, इनके साथ में मोहसिन खान आते हैं, ये दोनों पावर प्ले के गेंदबाज हैं। फिर यश ठाकुर का इस्तेमाल होता है और साथ में इस्तेमाल होता है अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई का और कुणाल पंड्या का। पॉसिबल है कि कुणाल पंड्या से 1 ओवर जो है वो पावर प्ले में करा लिया जाए, क्योंकि दोनों जो बल्लेबाज है वो राइट हैंड है तो इनका इस्तेमाल हो सकता है। बाकी मोहसिन खान मैट हेनरी पावर प्ले में। फिर आपको डेथ ओवर में मिलते हैं यश ठाकुर और यश ठाकुर के साथ में आपको मिलते हैं मोहसिन खान, ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक आध ओवर जो है वो मैट हेनरी का करा लिया जा सकता है अगर स्टार्टिंग में अच्छी गेंदबाजी होती है तो, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब यहां से आगे चलते हैं और रिकॉर्ड्स की जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, जिसका इस मैदान पर रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बैटिंग एवरेज आपको मिलता है सिर्फ 26 का और 2 बार 50 किया है। अगर आप एज अ प्लेयर पिक कर रहे हो तो क्विंटन डिकॉक को लेके चला जा सकता है। नॉर्मली इनको दिक्कत आती है जब कोई एक अच्छा लेफ्ट आर्म मीडियम या फिर स्विंग कराने वाला गेंदबाज इनके सामने आता है। जैसे अगर हम पिछले ही मैच की बात करें तो क्विंटन डिकॉक के डंडे बिखेर दिए थे ट्रेंट बोल्ट ने, तो ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा होने की वजह थी कि बॉल स्विंग कर रहा था और अगर बॉल स्विंग करेगा तो इनके लिए मुसीबतें आती हैं। फिर है केएल राहुल, केएल राहुल का बैटिंग एवरेज लगभग 48 का है, 4 बार 50 कर चुके हैं, हर दूसरे मैच में एक 50 बना रहे हैं। फिर है मार्कस स्टॉइनिस, पिछले मैच में ये भी डंडे उड़वा गए थे और संदीप शर्मा ने बोल्ड किया था इनको, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। दीपक हुडा की अगर बात करेंगे 8 इनिंग में 94 रन, फाइनली 1 50 पिछले मैच में इनके बैट से निकला है और फॉर्म में रिटर्न आया है। मतलब अब जो दीपक हुडा है जो कि अभी तक टीम में रखना भी मुश्किल हो रहा था, वो अब वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल होंगे। इसके बाद
आयुष बडोनी का बैटिंग डाउन अब नीचे ही रहेगा जब दीपक हुडा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो, और पूरन का बैटिंग एवरेज लगभग 24 का है और कृणाल पांड्या 36 का बैटिंग एवरेज है। गेंदबाजी में देखोगे तो 11 विकेट निकाले हैं कृणाल पांड्या ने, अमित मिश्रा के पास में 6 विकेट हैं। हाईएस्ट भी देखिएगा, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, कृणाल पांड्या लगभग हर 20 गेंद के बाद में विकेट निकाल देते हैं, अमित मिश्रा लगभग हर 11 गेंदों के बाद में इन्होंने विकेट निकाला है, रवि बिश्नोई के पास में 13 विकेट है, इन्होंने लगभग 17 गेंदों का इस्तेमाल किया है, मैट हेनरी इनको विकेट नहीं मिला, यश ठाकुर के पास में 11 विकेट है और मोहसिन खान के पास में 4 विकेट है। तो अगर इस रिकॉर्ड के हिसाब से काम किया जाए तो एक यश ठाकुर आपके लिए अच्छे पिक बनेंगे और एक अमित मिश्रा जी आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं, इस ग्राउंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब चलिए पूरे रिकॉर्ड्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम है क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक एमआई के सामने ज्यादातर मैचेस में स्ट्रगल करते नजर आए हैं क्योंकि 10 मैचेस खेल चुके हैं और एक बार 50 किया है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ये मुंबई में ही खेला करते थे और 2024 में इनका बैटिंग एवरेज बहुत नीचे आया है। अब ये खिलाड़ी एक तरह से आपके लिए 50-50 वाली चॉइस बन चुका है। अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो दोस्तों एक बार आप रिस्क उठा सकते हो छोड़ने का, क्योंकि वहां हमने पावर प्ले में विकेट देखे। लेकिन अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि आप ये रिकॉर्ड देखोगे तो आप कहोगे कि सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड खराब है, लेकिन हम जरा ग्राउंड के हिसाब से चल रहे हैं तो वहां पर सेकंड इनिंग में हमने देखा स्कोर करते हुए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लेफ्ट आर्म मीडियम इनको ऑलरेडी 6 बार इस टूर्नामेंट के अंदर आउट कर चुका है। सामने वाली टीम के पास में ली कूड है, लेकिन ये उतनी बेहतर गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं तो मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब दूसरा नाम है पीयूष चावला का, जो कि इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, चूंकि पीयूष चावला पावर प्ले में आएंगे नहीं, और एम नबी है जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, ये जरूर पावर प्ले में आपको देखने मिल सकते हैं। और राइट आर्म फास्ट से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, राइट आर्म मीडियम से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा अगर आपको बैटर देखने मिलेगा तो इनके बीच में देखने मिल सकता है। फिर है नंबर 2 केएल राहुल ने एमआई के सामने क्या किया है, 5 बार तो 50 बना दिया, 3 बार बना दिया 100, और सिर्फ अगर हम पिछले 1 साल की बात करें 2023 से 2024 जो इनका रीसेंट फॉर्म है उसमें भी 5 पचासे कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में भी अगर आप देखोगे 76 82 39 39 33 और 58, सिर्फ 3 मैचेस खराब चले हैं, एक ये 16 वाला, एक 20 और एक 15 वाला। ऑलमोस्ट हर मैच में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, मतलब ये खिलाड़ी आपके लिए एक बेहतर पिक बन सकता है। लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है, राइट आर्म मीडियम 4 बार, पीयूष चावला ने 2 बार आउट किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 का था, और जसप्रीत बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं और लगभग 20 ओवर में, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार आउट किया है लेकिन 20 ओवर में, मतलब ऐसा नहीं कि परेशान किया हो। फिर आते हैं नंबर 3 मार्कस स्टोइनिस में। मार्कस स्टोइनिस अगर गेंदबाजी करेंगे तो आपके लिए कंफर्म पिक है, मतलब फिर तो रखना पड़ेगा, डिफॉल्ट पिक हो जाएगा, लेकिन अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर आप छोड़ सकते हो। अभी के लिए देखोगे 1 विकेट लास्ट मैच में भी मिल गया था, एमआई के सामने 25 का बैटिंग एवरेज है जिसमें 2 बार 50 है, 2024 में रिसेंटली 100 बना चुके हैं, 1 50 और 100 खाते में है। अब गेंदबाजी की बात करेंगे तो 13 इनिंग में 13 विकेट है। इनको ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक सबसे ज्यादा परेशान करती है, और जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे बहुत हद तक वहां पे लेग स्पिन पीयूष चावला आपको मिल जाएंगे, तो पॉसिबल है कि ये विकेट पीयूष चावला निकाल देना चाहिए। इसके अलावा बुमराह ने भी परेशान किया है, 25 गेंदें डाली हैं और 3 बार आउट कर दिया है, 25 गेंदों में 3 बार आउट करना एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने मिल जाता है फिर यहां पर। इसके बाद नंबर 4 दीपक हुडा आपको मिलते हैं। पिछला मैच फाइनली 1 50 आया इनके बैट से, और यहां देखोगे ना तो बहुत गंदा दिखेगा, खिलाड़ी है 50 बनाने लायक है, 60 50 60 बना सकता है। अब लास्ट मैच के फॉर्म की वजह से आप जीएल में ट्राई कर लेना, गेंदबाजी भी करते हैं, पहले बैटिंग करते हुए 4 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 50 किया है, ऑफ ब्रेक के सामने दिक्कतें रही हैं थोड़ी सी एम नबी का, लेकिन उतना इस्तेमाल होता नहीं है इसलिए मैं एम नबी पे ज्यादा फोकस डाल नहीं रहा हूं। अगर इनका इस्तेमाल सही होता ना तो फिर मैं जरूर कहता कि ये मस्ट पिक है। बैटिंग एवरेज 23 है एमआई के सामने, और इसके बाद निकोलस पूरन है। पूरन का नॉर्मली आप देखेंगे कि डेथ ओवर में इस्तेमाल होगा, मतलब बैटिंग करने के लिए 15 ओवर या फिर 14 ओवर के बाद बैटिंग करने आएंगे, और एमआई के सामने उतनी बेहतर बैटिंग हो नहीं पाई है क्योंकि गेंदबाजी उनकी डेथ ओवर की बहुत अच्छी है। वहां पे आपको मिलेंगे इस मैच में भी तुषारा के अलावा आपको वहां पे मिलेंगे बुमराह के अलावा अगर कोएत्ज़ी फिट हैं तो कोएत्ज़ी आपको मिल जाएंगे। तो दिक्कतें बड़ी हैं, और ऑलरेडी बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने इन्होंने अपना 2 बार विकेट दिया है। और 2024 की अगर बात करें तो बढ़िया
बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है, पहले बैटिंग करते हुए 350 बना चुके हैं, 40 का एवरेज भी है। फिर है इसके बाद आयुष बडोनी। आयुष बडोनी आपके लिए फायदेमंद कब होंगे? आयुष बडोनी आपके लिए फायदेमंद तब होंगे जब ऊपर से 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी चले जाएं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप मान के चल रहे हो कि राहुल जल्दी आउट हो गए, राहुल के साथ में या फिर डिकॉक, स्टॉइनिस या फिर हुडा, ये 4 में से 3 विकेट जब जल्दी चले जाएंगे तो आप फिर रखना है उस मैच में आपको आयुष बडोनी को टीम में। अब आप ये तय कर लेना कि 3 विकेट कौन से जल्दी जा सकते हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो क्विंटन डिकॉक की परेशानी है थोड़ा सा लेफ्ट आर्म, अगर ल्यूक वुड निकाल दें, मार्कस स्टॉइनिस वर्सेस बुमराह बैटल है एक, वो वहां पे है, दीपक हुडा का फॉर्म उतना कोई खतरनाक है नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके रखा ही जाए, तो एक उनको छोड़ा जा सकता, मतलब केएल राहुल अकेले बच रहा है कि उनके साथ में आयुष बडोनी को पिक किया जा सकता है ग्रैंड लीग में। अब लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी परेशान करता है, सामने वाली टीम के पास में ल्यूक वुड है, पर ये जिस नंबर पर बैटिंग करने आएंगे पॉसिबल है कि वहां ल्यूक वुड से इनका जल्दी आमना सामना नहीं होगा, और पहले बैटिंग करते हुए 350 कर चुके हैं और ये सारी चीजें पहले बैटिंग करते हुए ही काम करेंगी, हालांकि एमआई के सामने उतना कुछ खास किया नहीं है। इसके बाद कृणाल पंड्या है। कृणाल पंड्या की अगर बैटिंग आती है तो फायदेमंद है। अगर आप सोचो कि सिर्फ गेंदबाजी के दम पे रख लूं तो आप ये देखोगे 21 इनिंग में गेंदबाजी की है और विकेट मिले हैं सिर्फ 14। कितने विकेट मिले हैं? 14। अब लास्ट मैच में ही हमने जडेजा की भी बात की थी, जडेजा को कितना विकेट मिला था? सिर्फ 1। और 25 पॉइंट से आपको क्या लगता है कि वो खिलाड़ी ड्रीम टीम में जगह बना सकता है? बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। हालांकि अगर वो कैच वैच पकड़ ले तो एक अलग बात है, लेकिन यही बात यहां पर भी लागू होती है। जब से इंपैक्ट सबका रूल चालू हुआ है तब से ये हो चुका है कि अगर ऑलराउंडर की बैटिंग नहीं आ रही है तो फिर उसके लिए ड्रीम टीम में शामिल होना बहुत मुश्किल हुआ है। वही स्थिति यहाँ पर भी है, क्योंकि नॉर्मली जब इनकी बैटिंग आती है तो क्या करते हैं कि कभी 43 बना दिया, बाकी कभी 15 बना दिया, साथ में एक विकेट निकाल दिया तो बेनिफिट मिलता है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत है, ऑफ ब्रेक के सामने समस्या है, 11 इनिंग में 9 विकेट, 10 इनिंग में 5 विकेट सेकेंड इनिंग में है, और बुमराह परेशान कर सकते हैं, पीयूष चावला 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद बिश्नोई का ये सीज़न बहुत गंदा चल रहा है, वैसे खिलाड़ी बढ़िया है, ये सबसे गंदा सीज़न गया, और वर्ल्ड कप वाला साल था, इस साल अगर अच्छा करते तो जगह बना सकते थे, लेकिन इतना गंदा साल गया है तो अब ये तो अभी हाल फिलहाल में लक के ऊपर चला गया इनका गेम। खिलाड़ी अच्छे लेकिन ये दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी पहले गेंदबाजी करते हुए 8, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13। अब रही बात मैट हेनरी की, तो इन्होंने 22 इनिंग में 37 विकेट निकाले हैं, लेकिन कैसे निकाले? जहां स्विंग होता है सुपर स्मैश वहां खेलते हैं, जहां पे स्विंग मिलता है, न्यूजीलैंड की बात है, अब न्यूजीलैंड में तो नॉर्मल सा स्विंग मिल जाता है, इसलिए आप ये देख रहे हैं कितने खतरनाक परफॉर्मेंस है, लेकिन यहां वो स्थिति नहीं बनी है। लेकिन ये वाले ग्राउंड पर चांसेस अच्छे हैं, अगर पहले गेंदबाजी करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां विकेट निकाल देना चाहिए। इसके बाद यश ठाकुर वेरिएशन के लिए फायदा उठा सकते हैं, इस टीम के सामने पहले 5 विकेट निकाल चुके हैं और 23 विकेट वैसे हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि यश ठाकुर क्यों विकेट निकाल सकते हैं बढ़िया। और मोहसिन खान की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1 विकेट वाला प्लेयर है, आपका 1 विकेट आपको सेव करके देगा, 23 इनिंग 33 विकेट, सेकेंड इनिंग में 24 विकेट है। एक बात मोहसिन खान के बारे में बोल रहा हूँ, इसको अभी बिल्कुल ऐसा लिख के रिकॉर्ड करके रख लेना, अगली साल देखना मोहसिन खान पर्पल कैप में शामिल होंगे और कमाल की गेंदबाजी करेंगे। इस साल इंजरी से वापस की, अगर इंजर्ड ना हो तो इस साल इंजरी से वापस आए तो उतना बेहतर नहीं दे पाए, लेकिन एक साल के बाद देखना अब आप। इसके बाद अमित मिश्रा आपको मिलते हैं, 15 इनिंग 16 विकेट 22 इनिंग 25 विकेट इनके खाते में दर्ज है, पुराने चावल है, इक्का दुक्का विकेट निकाल देंगे। अब बात आती है एमआई की। दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करना, जैसे ही आप लाइक का बटन दबाओ वैसे ही टेलीग्राम पे भी चले जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है वहीं फ्री गिव अवे मिलेगा, 25 लोगों को मिलेगा, पहले बोल चुका हूँ ना मैं, 8,000 लाइक कंप्लीट करते ही, लेकिन कोशिश करना कि 5 बजे से पहले निपटा दो। ईशान किशन शर्मा जी, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पंड्या, ये बैटिंग ऑर्डर है। नॉर्मली अगर जल्दी विकेट जाते हैं तो निहाल ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यही नजर आएगा, कोई बहुत खास चेंजेस नहीं होंगे। गेंदबाजी में नुवान तुषारा, बुमराह और ल्यूक वुड, पॉसिबल है कि ये पूरे ओवर डालेंगे जिसमें बुमराह पावर प्ले में, ल्यूक वुड पावर प्ले में और तुषारा डेथ ओवर में आपको मिलते हैं। नबी का 1 ओवर पावर प्ले में आ सकता है अगर जरूरत लगी तो, और पीयूष चावला आपको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करके देंगे, हार्दिक पांड्या 2 ओवर इनके भी बन सकते हैं। अब यहाँ से सीधे चलते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स पे, तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, एक एक मैच खेला है जिसमें ईशान किशन ने 50 बनाया था, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 50 बनाया था, टिम डेविड ने भी 32 किया था, और गेंदबाजी में विकेट ज़्यादा नहीं निकाले, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले मतलब। अब ईशान किशन की हम बात कर रहे थे, विकेट कीपर की दावेदारी ये भी पेश नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप ईयर था और एक ही 50 इनके बैट से आया है, और LSG के सामने हालांकि एक 50 लगा चुके हैं,
और वैसे अगर देखोगे पिछले एक साल में 28 का बैटिंग एवरेज है, ज़्यादातर जो 50 है वो सेकंड इनिंग में है, और इस ग्राउंड पे तो वैसे भी सेकंड इनिंग में 50 बना सकते हैं। और दिक्कत है वैसी कोई खास नहीं है, लेग ब्रेक ज़रूर परेशान करता है। अमित मिश्रा मौजूद है, रवि बिश्नोई 3 बार आउट कर चुके हैं और परेशान भी किया है, इसके अलावा अमित मिश्रा भी 3 बार आउट कर चुके हैं, इन्होंने भी परेशान किया, मतलब लेग ब्रेक दिक्कत तो है इनकी, ये दोनों लेग ब्रेक थे। इसके बाद शर्मा जी हैं, शर्मा जी LSG के सामने 23 का बैटिंग एवरेज, बड़ा गंदा रिकॉर्ड है। 2023-2024 में 27 का एवरेज, 250 और 100 लगाया है, लेकिन अब आप यहां से होता क्या है कि अब इनके साथ पे भी दिक्कत है, लेफ्ट आर्म मीडियम भी इनको परेशान कर रहा है, लेग ब्रेक भी इनको परेशान कर रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है, क्या कर सकते हो कि अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं ना, तो किशन को पटक लो और शर्मा जी को छोड़ने का रिस्क उठा लो, ये रिस्क है लेकिन उठा सकते हो। अब एक और चीज़ है कि बिश्नोई इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, ये पावर प्ले की बात है, और अमित मिश्रा इनको 7 बार आउट कर चुके हैं, ये भी पावर प्ले की बात है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म मीडियम मिल जाएगा इनको पावर प्ले के अंदर, मोहसिन खान, वो दिक्कतें कर सकता है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आपको मिलते हैं नंबर 3 पे, LSG के सामने 21 का बैटिंग एवरेज, पिछले एक साल में 39 का बैटिंग एवरेज है। LSG के सामने पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, सभी का रिकॉर्ड गंदा है, हालांकि 3-3, 4-4 मैचेस ही खेले हैं और सेकंड इनिंग में 6-50 कर चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज 17 है। कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई जो कि इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, बिश्नोई का नाम हम 3री बार देख रहे हैं, मतलब इस मैच में बिश्नोई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 टीमों में तो पटक कर रखेंगे हम। फिर है इसके बाद तिलक वर्मा फिर 50, 34-31, मतलब जितनी बैटिंग आई है उतना स्कोर किया है, जबकि इनका वर्ल्ड कप वाली टीम में कहीं भी नाम नहीं चल रहा है, बंदा लगातार स्कोर किए जा रहा है, हालांकि चल भी नहीं पाएगा क्योंकि स्लॉट नहीं है। 3 इनिंग में 90 रन, 38 का हाईएस्ट, ये है लखनऊ के सामने। पिछले एक साल में 45 का बैटिंग एवरेज है, मतलब हर मैच में लगभग 40 के आसपास पहुंच जाते हैं, जो हमें नज़र भी आ रहा है, जैसे 32, 31, 34, 65, 63, 64, सिर्फ ये सेकंड इनिंग में जब ये 2 बार बैटिंग की थी तब अच्छा नहीं कर पाए। 4 बार 50 है, दोनों इनिंग में 2-2, 50 है। नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए भी अगर 4-50 लगाए हैं तो ये बढ़िया रिकॉर्ड है और विशेष कोई कमजोरी नहीं है। इसके बाद हार्दिक पांड्या मिलते हैं, पिछले मैच में स्कोर किया था, गेंदबाजी से उतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है, स्टार्टिंग से रन खाते आए हैं, एक मैच गया था जब बीच में 2 विकेट मिल जरूर गए थे, बाकी उतना कुछ खास रहा नहीं, ऑर्थोडॉक्स परेशान करता है। मार्कस टॉइनिस 2 बार आउट कर चुके हैं और कुणाल पांड्या इनके भैया जी जो है बड़े, वो परेशान करेंगे, और मिश्रा जी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद निहाल वडेरा है, बैटिंग आ पाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो दोस्तों वही रिस्क है, और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने जरूर 3 मैचेस में 3 बार आउट हो चुके हैं। मोहसिन खान 2 बार आउट कर चुके हैं, बड़ी कमाल की बात है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 6 का बैटिंग एवरेज है, ये हम IPL के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब पिछले साल जब ये आमने सामने हुए होंगे दोनों मैचेस में मोहसिन खान ने आउट किया है। इसके बाद टिम डेविड 2 इनिंग 45 रन, 2024 में 30 का बैटिंग एवरेज है, 50 देखने नहीं मिलता है, या तो पहली टीम बैटिंग करते हुए 200 के ऊपर स्कोर कर दे तो बैटिंग आएगी, या फर्स्ट इनिंग में अगर टीम विकेट गवाती है तो वहां बैटिंग देखने मिलेगी। लेफ्ट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है, राइट आर्म मीडियम के सामने 4 बार विकेट गवाया और किसी को विकेट नहीं दिया, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब ये बैटिंग करने आते हैं तब स्पिनर नहीं आते हैं। इसके अलावा नबी है, नबी ने पिछले मैच में फिर 1 विकेट निकाला, अगर इनको मौका मिलेगा तो पॉसिबल है कि ये ड्रीम टीम में घुस जाएंगे, अगर मौका मिला तो, नहीं मिला तो फिर आपको वहीं आसपास ही नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम और लेग ब्रेक इनको परेशान करता है, अभी के लिए उन पर उतना फोकस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पॉसिबल ये है कि उनको उतना मौका मिलेगा नहीं। अब इसके बाद आपको नाम मिलते हैं कुछ गेंदबाजों के, ल्यूक वुड 66 विकेट है, पहले गेंदबाजी करा लो तो 32, लास्ट मैच में बड़ा बुरा किया था ट्रस्टिन स्टब्स ने, सारे शॉट एक ही जगह खेले और सारी गेंद एक जैसी डाली इन्होंने। इसके बाद आपको मिलते हैं पीयूष चावला, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, 22 इनिंग में 26 विकेट इनके खाते में है, जब पहले गेंदबाजी करा लोगे तो 17 विकेट है, सेकंड करा लोगे तो 9 में 9 विकेट है। और जसप्रीत बुमराह 23 इनिंग 29 विकेट, पहले कराओ तो 24, सेकंड कराओ तो 5 विकेट, और अंतिम नाम है तुषारा का, ये खिलाड़ी ग्रैंड लीग में कैप्टन बनेगा, जब तक खेल रहा है जब तक ट्राई करते रहना, ध्यान रखना अगर एक मैच और खेल रहा है एक मैच में और ट्राई करना, जितने मैच खेलेगा ट्राई करते रहना, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में नहीं करना है, फर्स्ट इनिंग में करना है, और आपको कभी भी एक खतरनाक काम करके दे जाएगा। अब यहाँ से देखो, रोहित शर्मा, KL राहुल, क्विंटन डीकॉक, ये हैं स्मॉल लीग के लिए बहुत बढ़िया चॉइसेस में से, स्काई बुमराह और नुवान तुषारा GL में बहुत अच्छी चॉइसेस में,
कैप्टन मेरे केएल राहुल, ईशान किशन, डिकॉक के साथ में, सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन ट्राई किया है, शर्मा जी, पूरन और तिलक वर्मा जी के साथ में, स्टॉइनिस है, मोहसिन खान है, नुवान तुषारा और बुमराह टीम में है। अगर कुछ चेंजेस करूंगा तो वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। 1500 रुपये का जो कैश बोनस है उसके लिए भी आपको लिंक वहीं मिल जाएगा, और साथ में दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबल। मिलते रहेंगे आप लोगों से, मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।